दिवाली से पहले जयपुर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 27 अक्टूबर को से दो टर्मिनल ऑपरेशनल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 26 अक्टूबर को जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन करेंगे, जो 27 तारीख से सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ऑपरेशनल होगा। मौजूदा वक्त में काम आ रहा टर्मिनल 2 फिलहाल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों को केटर कर रहा है। से बाद जयपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 आम यात्रियों के लिए खुलने जा रहा है। 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इसे शुरू करने वाले हैं। यहां 15 लाख यात्री भार का टर्मिनल तैयार किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए काम आएगा। इसे राजस्थानी संस्कृति में सजाया गया है। देश में उड़ान योजना के तहत जहाँ छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों को हवाई सेवा से जोड़ने पर रफ्तार से कवायद की जा रही है, ताकि हवाई यात्रा को किफायती और आम आदमी के लायक बनाया जा सके, तो वहीं देश के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट की तस्वीर भी अब निखरने लगी है। देश के महत्वपूर्ण एयरपोर्टों में से एक जयपुर एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। यहां पर अब नए टर्मिनल भवन की शुरुआत होने जा रही है। विकासशील भारत को विकसित भारत के रूप में परिवर्तित करने के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक उड़ान योजना, जिसके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि पूरे भारत के वो इलाके जो अभी तक लोगों के द्वारा नहीं देखे जा सके हैं, उनका भी पर्यटन को विकसित किया जा सके और उनको हवाई सेवाओं के माध्यम से जोड़ा जा सके। इसी उड़ान योजना के क्रम में जयपुर के अंदर आने वाली 27 तारीख से हवाई अड्डे के ऊपर विकास करने के बाद दो टर्मिनल जो है वो यात्रियों की सेवार्थ चालू रहेंगे, जिसमें टर्मिनल 1 के ऊपर विदेश जाने वाली उड़ान यात्राएं ऑपरेशनल हो पाएंगी तथा टर्मिनल 2 के ऊपर स्वदेशी उड़ान जो है वो ऑपरेशनल हो पाएगी। जयपुर में मौजूदा समय में टर्मिनल 2 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों को सेवा दे रहा है, लेकिन अब व्यवस्था बदल जाएगी। 27 तारीख से टर्मिनल 2 सिर्फ घरेलू उड़ानों के यात्रियों के लिए काम में लिया जाएगा। टर्मिनल 1 को राजधानी संस्कृति को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। अब जयपुर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में और अधिक आसानी होगी। यात्रियों को अब दो अलग अलग टर्मिनलों में जाने की जरूरत नहीं होगी। टर्मिनल 2 पे घरेलू उड़ान भरेंगे और टर्मिनल 1 पे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होगी और यात्रियों को इसमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे अलग अलग बंटवारा होने से भीड़ भाड़ और 14 यहाँ काउंटर लगाए गए, जिससे यात्रियों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेगी और जो इसको राजस्थानी गौरवशाला परंपरा से सजाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो यात्री यहाँ आते हैं उनको राजस्थान की गौरवशाली परंपरा देखने को मिलेगी। जो भी आसपास के होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इनमें काफ़ी अच्छा बिजनेस का प्रमोशंस होंगे, अच्छे लोग आएंगे, ठहरेंगे, ऑक्यूपेंसी अच्छी रहेगी, तो बिजनेस वाइज तो ये आसपास में अच्छे होटल्स का अच्छा फायदा मिलेगा। बता दें, बीते कुछ सालों में जयपुर में हवाई यातायात में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नया टर्मिनल भवन खुलने से जहां जयपुर एयरपोर्ट के यात्री क्षमता में बढ़ोतरी होगी, तो साथ ही यहां आने वाले यात्रियों की सेवाओं में और उनकी गुणवत्ता में भी खास तौर पर सुधार किया जा सकेगा। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज जयपुर।